Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. For those of you who are new here, I am Prachi and I create content related to makeup and beauty. So if you are interested, then please keep on watching. और आई नो कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं किया है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट. एक्चुअली हमने रिसेंटली घर शिफ्ट किया है और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बैकग्राउंड जहाँ पर, बिकॉज आई डोंट हैव रिंग लाइट. तो जहाँ पे नेचुरल लाइट आती है वहाँ पे बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या जहाँ पे बैकग्राउंड ठीक है वहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आती. सो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग. आज मौसम थोड़ा ठीक है एंड आई जस्ट थॉट ऑफ फाइनली गेटिंग बैक टू द वीडियोज. ऐसा नहीं है मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही थी, सो बट स्टिल आई रियली फील गिल्टी एंड आई डोंट नो वाई, बट आई रियली फील गिल्टी दैट आई एम नॉट एबल टू पुट अप मोर वीडियोज़. सो आई होप कि इस हफ्ते से मैं एटलीस्ट आई ट्राई एंड पोस्ट एटलीस्ट टू वीडियोज़ अ वीक. आई क्रॉस माई फिंगर्स एंड आई रियली होप सो. इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने लास्ट मंथ परचेज किए थे. आई डिडंट डू अ हॉल बिकॉज मैंने ये सब यूज़ नहीं किए थे एंड आई थॉट आफ्टर यूजिंग देम मैं डायरेक्टली रिव्यू करूँगी ये. सो दिस इज़ जस्ट अ वेरी क्विक एंड मिनी रिव्यू ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स और आई विल ऑल्सो टेल यू इफ़ आई एम गोइंग टू रीपर्चेज देम और नॉट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब. वेन यू गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल इट रियली मोटिवेट्स मी. और आप चाहें तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन टू द वीडियो. माई फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे इज़ बाई द ब्रांड नायका और दिस इज़ द प्रोडक्ट. और ये नायका का बॉडी वॉश है. सो नायका हैज़ देयर ओन रेंज ऑफ बॉडी केयर जो पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री और SLS फ्री है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई एनी प्रोडक्ट्स दे आर फ्री ऑफ एनी केमिकल. सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ बॉडी वॉश बाई देयर वॉन्डरलस्ट रेंज. दिस इज़ इन द वेरियंट मेडिटेरियन सी सॉल्ट. सो लुक, so let's start with the packaging. Look at the packaging, how beautiful it is. Actually I like sky blue color. I like sky blue, sea green, all these type of, okay, all these type of colors. Or fortunately aaj maine blue hi pehna hai. बट गेटिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने ये इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो गया था और आई थॉट ऑफ ट्राइंग अ न्यू बॉडी वॉश एंड आई केम अक्रॉस दिस. बिकॉज ये फ्री ऑफ केमिकल्स था आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ शॉट. और इसकी बॉटल देखते ही, पैकेजिंग देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एक्चुअली फर्स्ट थिंग जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैकेजिंग भी देखते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन वी गो थ्रू रिव्यूज. सो मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े and finally I decided to order this one. This is 300 ml product for 350 rupees. So the quantity आपको जो मिल रहा है वो प्राइस के हिसाब से सही है. As this is Nykaa's own product, so most of the time इन सब products पे discount चलते रहते हैं. So अगर आप Nykaa से, सो अगर आप ये परचेज करते भी हैं तो आई गेस आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और इस टाइप का जेल कंसिस्टेंसी है जो, सो इट इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट जेल. बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ब्यूटीफुली लैदर हो जाता है. सो जस्ट अ टाइनी बिट अगर आप लेंगे तो आपकी पूरी बॉडी के लिए इनफ हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल. मीन्स आई कैन एक्चुअली, इसका जो नाम है मेडिटेरियन सी सॉल्ट, सो इसकी फ्रेग्रेंस भी एक्चुअली वैसी ही आती है. आपको एक्चुअल में नहाते टाइम वो सी वाइब आएगा. सो इफ़ यू लाइक बीचेज, इफ़ यू लाइक सी वाइब, सो दिस इज़ द वन विच यू विल रियली लव. एज आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ड्राई स्किन, सो मैंने इससे पहले भी काफ़ी बॉडी वॉश यूज़ किए हैं जो नहाने के बाद स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वन. सम वन हु इज़ सेंसिटिव टू स्मेल, जिसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्ड प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है, सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस वन. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है जो बहुत ज़्यादा देर नहीं रहती है, बट आप नहाकर आने के बाद यू विल हैव दैट फ्रेश माइल्ड फ्रेग्रेंस गोइंग ऑन जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. सो ऑल इन ऑल आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड रीपर्चेज दिस. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन बाय द सेम रेंज एंड सेम ब्रांड. दिस इज़ नायका वॉन्डरलस्ट
बॉडी स्क्रब, सो ये भी सेम रेंज का है, मेडिटेरियन सी सॉल्ट, बिकॉज मैं बॉडी वॉश वो वाला मंगा रही थी, सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई. ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. इन दोनों का फ्रेग्रेंस एकदम सेम है. दिस इज़ ऑल्सो पैराबिन क्रुएल्टी एंड SLS फ्री, सो यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस. नाउ दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉडी स्क्रब जो मैंने यूज़ किया है, बट दिस इज़ नॉट हार्श एट ऑल. दिस इज़ समथिंग जो आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं नहाते टाइम, जस्ट टू गिव योर स्किन अ माइल्ड एक्सफोलिएशन. एंड यू कैन सी मैंने इसे भी यहाँ तक यूज़ कर लिया एंड आफ्टर दैट आई एम रिव्यूइंग. सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल परचेज इट अगेन और नॉट. ऐसे कोई इश्यू नहीं है, बट आई शो यू हाउ. ओके, सी दिस इज़ द कंसिस्टेंसी. यू कैन सी कितना जेल फॉर्म में है. इट हैज़ वेरी माइन्यूट ग्रैन्यूल्स जो अपनी स्किन को हार्म भी नहीं करते हैं. आई होप इट इज़ विजिबल. सो फॉर एवरी डे यूज़ इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो इफ़ यू परचेज बोथ ऑफ देम टुगेदर तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और लेट्स मूव टू माई थर्ड प्रोडक्ट. और जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है वो भी अगेन सेम रेंज से है. दिस इज़ माई थर्ड प्रोडक्ट. दिस इज़ अ बॉडी बटर बाई नायका एंड दिस इज़ ऑल्सो बाई द सेम रेंज, मेडिटेरियन सी सॉल्ट. नाउ दिस प्रोडक्ट हैज़ माइल्ड फ्रेगरेंस. ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है. सो यू गेट दिस बॉक्स फुल ऑफ क्रीम. आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कितना ज़्यादा यूज़ किया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने बॉडी बटर ऑर्डर किया इंस्टीड ऑफ ऑर्डरिंग अ बॉडी लोशन, बिकॉज आई रेड इन एन आर्टिकल कि बॉडी बटर ज़्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं. इससे वो चिपचिप और वैसी वाली फीलिंग ज़रा भी नहीं आती कि आपने कुछ बहुत मॉइस्चराइजिंग लगा लिया है और दिन भर आपको स्टिकी फीलिंग हो. इट ईजिली अब्जॉर्ब्स इन टू स्किन. इट इज़ वेरी लाइट वेट. अगेन ये भी आपको बहुत थोड़ा सा यूज़ होगा. I'll show you the texture of it. So the texture is very lightweight. It easily absorbs into skin. So you are getting 200 ml for 550 rupees. Again, if you'll purchase it together or in a combo, तो कम प्राइस में मिलेगा. मैंने आप लोगों को स्क्रब का प्राइस नहीं बताया. सो दिस स्क्रब इज़ 140 ग्राम फॉर 350 रुपीज़. सो ऑल इन ऑल आई लाइक दीज थ्री प्रोडक्ट्स. मुझे तीनों बहुत अच्छे लगे हैं. तीनों की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज बॉडी बटर एंड बॉडी वॉश. नेक्स्ट अप आई हैव अ शैम्पू. और मैंने अभी नोटिस किया कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर बाय नायका. ये भी उनका न्यू लॉन्च था और दिस वन इज़ बाय देयर नायका नेचुरल्स रेंज. दिस इज़ ऑनियन एंड फेन्यूग्रीक शैम्पू. सो दिस इज़ स्पेशली मेंट फॉर हेयर फॉल. मुझे माइल्ड हेयर फॉल है एंड आई परचेज्ड इट देखने के लिए कि कम होता है या नहीं. सो आई हैव यूज्ड इट फॉर 4-5 टाइम्स. मुझे हेयर फॉल में तो कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया है अभी तक. सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. अगेन दिस प्रोडक्ट इज़ SLS फ्री, पैराबिन फ्री एंड मिनरल ऑयल फ्री. इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ शैम्पू जो फ्री ऑफ केमिकल्स हो तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. हेयर फॉल में एज सच मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा बिकॉज आई हैड ओनली अ माइल्ड हेयर फॉल. सो यू विल गेट 200 ml फॉर 399 रुपीज़, विच इज़ लिटल बिट एक्सपेंसिव, बट ऑलमोस्ट ऑल द गुड शैम्पूज आर इन सेम रेंज. सो आई डोंट माइंड द प्राइस पॉइंट, बट ये मुझे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा है. ये बहुत अच्छे से लैदर ज़रूर होता है. मतलब आपको जो फीलिंग चाहिए कि हेयर वॉश किया है, बहुत झाग हो जाएगा और बहुत फ्रेश फीलिंग आएगा, दैट इट डज़. बट इट डिड नॉट वर्क फॉर हेयर फॉल. सो आई डोंट थिंक आई विल रीपर्चेज दिस बिकॉज आई कीप ऑन चेंजिंग माई शैम्पूज़ और मुझे लगता है कि बालों के लिए एक ही शैम्पू वैसे भी नहीं यूज़ करना चाहिए. आर हेयर और स्कैल्प शुडंट गेट यूज टू वन पर्टिकुलर ब्रांड और वन पर्टिकुलर शैम्पू. तो आई डोंट थिंक आई विल रीपर्चेज इट. बट हाँ, मैंने ख़रीदा है तो मैं यूज़ ज़रूर करूँगी बिकॉज इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और ना ही मेरा हेयर फॉल इंक्रीज़ हुआ है. सो आई एम ओके विद इट. और ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है. अगेन द पैकेजिंग इज़ वेरी गुड एंड ट्रैवल फ्रेंडली. नेक्स्ट वी हैव द कंडिशनर बाई सेम रेंज, नायका नेचुरल्स. और ये उसी शैम्पू के साथ का कंडिशनर
है. सो इसका भी पैकेजिंग बहुत अच्छा है, आपको 180 ml प्रोडक्ट मिल रहा है अगेन फॉर 399 rupees, विच सम पीपल माइट थिंक कि बहुत अफोर्डेबल नहीं है, बट आई गेस मैंने दोनों कॉम्बो में लिए थे और मुझे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था, तो मैंने दोनों के लिए 399 पे नहीं किया है. एंड सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू, वैसे तो नायका के खुद के प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट सम काइंड ऑफ डिस्काउंट. बट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशनर, इससे पहले मैंने लॉरियल ट्रस्ट में और वेला का कंडीशनर यूज़ करके देखा है और आई लाइक देम मोर एज़ कम्पेयर टू दिस वन. मतलब ये एक बेसिक कंडीशनर है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगा बिकॉज मेरे बाल वैसे भी बहुत स्ट्रेट है, बट इफ़ आई यूज़ लॉरियल और ट्रेसेमे कंडीशनर तो बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और प्लेन स्ट्रेट स्लीक दिखते हैं, जो इसको यूज़ करने के बाद नहीं दिखे. वेयर एज़ इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, योर हेयर वुड फील सॉफ्ट एंड स्मूद आफ्टर यूजिंग दिस, बट अगर मुझे रीपर्चेज करना हुआ तो आई वॉन्ट रीपर्चेज इट. अदरवाइज इन केस इफ यू वॉन्ट टू ट्राई अ नेचुरल प्रोडक्ट विदाउट नैस्टी केमिकल्स, सो यू कैन गो अहेड विद इट. सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड दिस इज आफ्टर बाथ ऑयल. दिस इज बाय द ब्रांड बायोटिक. नाउ आजकल आफ्टर बाथ ऑयल काफ़ी चल रहे हैं और सब बोलते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. पहले के टाइम में सब लोग ऑयल लगाते थे कि सरसों का तेल लगा लो या नारियल का तेल लगा लो, अब तो सब लोग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, बट आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ शॉट और ट्राई. सो दिस इज़ बायोटिक बायो कैरेट सीड ऑयल. दिस इज़ एंटी एजिंग आफ्टर बाथ ऑयल. सो नहाने के बाद ही इसे डैम्प स्किन पर लगा लेना होता है, सो इट गिव्स दैट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फील और इससे एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है. आई डोंट नो अबाउट एंटी एजिंग इफेक्ट क्योंकि मैंने इसे हार्डली इतना यूज़ किया है, सो आई डोंट नो अबाउट इट. सो इट कम्स इन दिस पैकेजिंग. बायोटिक के सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऑलमोस्ट ऐसी होती है. दिस बॉटल इज़ मोर स्टर्डी एंड इट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली अगर आप इसके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो. एंड यू आर गेटिंग 120 ml ऑफ प्रोडक्ट फॉर 135 rupees, विच इज़ रियली अ गुड बाय, क्योंकि जो आफ्टर बाथ ऑयल होते हैं दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. विल जस्ट शो यू. ओके, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. बहुत ज़्यादा चिपचिप ऑयल नहीं है, इट ईजीली अब्जॉर्ब इन टू स्किन. तो अगर आप कोई आफ्टर बाथ ऑयल ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं. वैसे तो बायोटिक के ऑयल्स में और भी ज़्यादा वेरियंस है, सो आप दूसरा कोई और भी ट्राई कर सकते हैं. स्किन इस तरीके की लगती है ये ऑयल यूज़ करने के बाद. द ओनली थिंग मुझे इस ऑयल के बारे में नहीं पसंद आया दैट इज़ द स्मेल. अगर मैं स्मेल कर रही हूँ तो एकदम से वियर्ड स्मेल नहीं आ रही है, बट अगर आप लगाने के बाद 5-10 minutes रुक जाएँ उसके बाद एक ऑयल कैसे लगाने पर स्मेल आता है, वो स्मेल कंटिन्यू आपके साथ रहती है. आई फेल्ट लाइक कि स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू अदर बॉडी लोशंस और बॉडी बटर, और आई डोंट लाइक कि ऐसी ऑयली सी स्मेल कंटिन्यू मेरे आसपास घूमती रहे. तो दिस इज़ एन एक्चुअल ड्रॉबैक जिसकी वजह से आई एम यूजिंग इट लेस. जितना यूज़ करना चाहिए उतना नहीं कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली अब मैंने खरीद लिया है तो मैं यूज़ कर ही लूँगी. बट अगर रीपर्चेज करने की बात आती है तो आई डोंट थिंक आई विल रीपर्चेज दिस, एंड द ओनली कॉन इज़ द स्मेल ऑफ दिस प्रोडक्ट. माई लास्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे इज़ अ क्लेंजिंग ऑयल. सो दिस इज़ अगेन बाय द ब्रांड बायोटिक और ये क्लेंजिंग ऑयल है, मतलब मेकअप रिमूव करने के लिए ये ऑयल है. आपको 120 ml 175 rupees में मिल जाता है. आई प्रिफर रिमूविंग माई मेकअप विथ समथिंग जो मैं डायरेक्ट फेस वॉश से वॉश कर लूँ, and this is that is why I ordered this oil. It is a very good product, packaging अच्छी है, and the claim they are saying that it is really mild. तो मैंने इसे अपने eye makeup remove करने के लिए भी use किया है. I just wet my face, I take it on my palm and I just massage it, और ये easily पूरा makeup melt कर देता है. It actually does what it claims. I like this product and I will repurchase it अगर मुझे ख़रीदना हुआ तो, बट अभी तो ये मैंने ऑर्डर किया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा. सो ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव और आपको चीज़ें पसंद आई हो. एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत
डाउट क्लियर हो गया हो कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं और इन्हें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा या यूज़फुल लगा सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू सब्सक्राइब देन प्लीज़ हिट नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो, एंड विल बी बैक विद मोर ऑफ सच कॉन्टेंट, एंड थैंक यू सो मच.